Assalamualaikum guys and welcome to another vlog. तो guys आज जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग फेस्ट 2.0 जो कि हमारे स्कूल में टेक प्लेस किया गया था. और guys हम लोग जो कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम लोग तो एक टर्किश कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे थे, बाकी वहाँ और भी बहुत सारी रूम्स थे. और टर्किश कल्चर हम लोग ने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसकी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है. टर्किश हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो कि टॉपिक एक अच्छा टॉपिक हो सकता है. जब भी हम लोग ने टर्किश कल्चर चूज़ किया और यहाँ कैलीग्राफीज भी थी जो कि टैलेंट्स थे बच्चों के. और गाइज आप खुद देख सकते हैं बहुत सारे टैलेंट्स थे. और बाकी हम लोगों के पास यहाँ बहुत सारे और भी क्रिएटिव चीज़ें थी. हम लोग ने वैसे टर्किश हिस्ट्री जो चूज़ किया वो एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया क्योंकि हमारे पास रिव्यूज़ भी अच्छे आए बहुत ज़्यादा. और यहाँ बहुत सारी आर्ट्स थी डिफरेंट टाइप की. और गाइस ये अफ्रीकन कल्चर था, अफ्रीकन हिस्ट्री थी, यहाँ अफ्रीकन हिस्ट्री के हिसाब से सारी चीज़ें उनकी सेट हुई हुई थी. और गाइस ये हमारी जगह थी, ये हमारी प्लेस थी, हमारा कल्चर रिप्रेजेंट यहाँ हो रहा था, ये हमारा स्टॉप था. और गाइस आप खुद देख सकते हैं ये हमारा. और यहाँ सूफिज़म भी परफॉर्मेंस हो रही थी, मैं अपनी स्पीच दे रहा था डिफरेंट पेरेंट्स को और हम लोग सब बता रहे थे. और नरेटर्स भी थे यहाँ दो हमारे साथ, एक मैं था अब्दुल समी, तो गाइस अब्दुल समी भी था. और गाइस यहाँ हमारे पास बहुत सारे इको फ्रेंडली सिटीज आप देख सकते हैं यहाँ बनी हुई थी जो कि ईसा अली आगा हमारा एक अच्छा दोस्त है. क्लाइमेट चेंज इज मोस्टली क्रिएटेड ऑन ह्यूमन इमिशन से ग्लोबल इमिशन, लाइक ग्लोबल इमिशन इज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, दिस टाइप ऑफ इमिशन इज व्हाट इज डिफरेंस एंड आल्सो ह्यूमन इमिशन. गाइस ये मुझे प्रोजेक्ट सारे बहुत अच्छे लगे क्योंकि इन प्रोजेक्ट से हम लोगों को ना तो सिर्फ ये पता चल टैलेंट दिखता है बच्चों का और ना ही सिर्फ क्रिएटिविटी दिखती है बच्चों की, बल्कि हम लोगों को यहाँ अपने लोगों का लाइक हमारे अंदर एक लाइट आती है कि नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं बाहर कचरा फेंक के. तो गाइस जब भी हम लोगों को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हम लोग थोड़ी हेल्प करें एनवायरनमेंट. तो गाइस ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग ऐसी चीज़ें मैसेज कन्वे कर सकते हैं. और गाइस यहाँ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ ये पूरा एक रूम बना हुआ था, यहाँ फ्यूचरिस्टिक सिटीज़, एआई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ये सारी चीज़ें थी. सोलर कार, इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल जनरेट फ्रॉम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम सोलर पैनल, फॉरेस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. और गाइस ये था वर्ल्ड मैप एक्सपर्ट अली असगर. और गाइस यहाँ हमारे पास आ गया है अफ्रीकन कल्चर परफॉर्मेंसेस. और गाइस आप खुद देख सकते हैं और इसके राइट साइड पे ये अफ्रीकन कल्चर का ये परफॉर्मेंस का स्टॉल था और उसके राइट साइड पे टर्की कल्चर था और उसके बिल्कुल फ्रंट पे स्कॉटिश कल्चर था. तो गाइस ये कल्चर एरिया था. उसके बाद वहाँ ग्लोब वहाँ हमारे पास गो ग्रीन था और फिर ऊपर हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट भी था. और गाइस आप देख सकते हैं सूफिज़म परफॉर्मेंस. तो गाइस ये दोनों नरेटर्स थे और ये दोनों अपनी स्पीच दे रहे थे. और हम लोग यहाँ मैं अर्तुगुल था और समी तुर्गुत था. और हम मैं अपना यहाँ मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा था अपने ब्लू मॉक्स को. और ये देख सकते हैं मैं अपनी पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स को अपनी स्पीच दे भी रहा था मैं. और गाइस यहाँ का हेल्दी इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था बहुत. यहाँ हम लोग अपने फ़ोटो शूट करवा रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा इन्वायरमेंट था. और गाइस ये अलग तरह की परफॉर्मेंसेस थी, ये एआई रिप्रेजेंटेशन था और बाकी सारे भी एआई रिप्रेजेंटेशन टाइप के थे, रोबोटिक्स के ऊपर थे सारे डांस आप देख सकते हैं. और गाइस ये बोट डांस था. Assalamu alaikum, I am presenting Arturul Ghazi and I am presenting the blue mox. So this is the blue mox. It was first created, it was when the its construction was begun in 1609 and was finished in 1617. So it was the only masjid in Turkey with six minars at that time. Thank you. गाइस आप देख सकते हैं यहाँ हमारे नरेटर से इंटरव्यू भी लिया था और मुझसे भी इंटरव्यूज लिए थे बहुत सारे. और आप देख सकते हैं दाई थी. और गाइस आप देख सकते हैं
यहाँ हमारे पास लर्निंग फेस्ट 2.0 के अंदर जिन्होंने भी टीचर ने कंडक्ट किया था, थैंक्स टू देम, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और डे आउट था हमारे लिए और हम लोगों को बहुत मज़ा आया गाइस। तो थैंक्स टू ऑल द टीचर, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम व्लॉगर। अल्लाह हाफिज़।